दोस्तों उम्मीद करते हैं आप तो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त निजाम, एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस अपडेट में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, क्या न्यूज़ है इंडिया के अंदर उस पर बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है इंडिया के अंदर कि क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंजेस हैं, इंडियन एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पर DGGI का इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें 70 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर DGGI का मतलब अगर यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, तो बस इतना समझ लीजिए कि ये एक इंटेलिजेंस है, GST का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है वो है, और ये इस तरीके की कार्रवाई करता है जहाँ पर इनको कुछ संदिग्ध चीज़ें लगती हैं कहीं पर कि यहाँ पर GST वगैरह की चोरी की जा रही है। तो अब की नंबर आया है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का। तो यहाँ पर इस खबर को लेकर काफ़ी लोगों को पैनिक है इस चीज़ का कि हमारे ऊपर 18% GST लग जाएगा या हमें उससे नुकसान होगा, इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ ये एक लोकल न्यूज़पेपर की है और इनकी इतनी ज़्यादा तो मान्यता नहीं बोली जा सकती, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं इंडिया के अंदर और एक दो दिन के अंदर ये चीज़ें हुई हैं। वज़ीर एक्सचेंज पर भी कार्रवाई हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कॉइन स्विच कुबेर, कॉइन DCX और बायू कॉइन, और उसके अलावा यूनो कॉइन काफ़ी पुराना एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इंडिया के अंदर काम करता है। और यहाँ पर देखो सिंपल सा यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाई या सेल करते थे, मींस एक्सचेंज करते थे, बाई सेल करने का मतलब ही वही होता है कि एक्सचेंज करना। तो जैसे कि आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हो तो आप उसके बदले में पैसे देते हो, उसके बदले में वो चीज़ ले लेते हो, तो वो एक तरीके का एक्सचेंज ही बोला जाता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें होती हैं जिसकी ये फीस लेते थे, जैसे आपने बिटकॉइन ली, रिपल लिया या एथेरियम लिया या कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपने किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से ली, तो वहाँ पर ये उसके लिए उसके एवज में आपसे फ़ीस लेते हैं, जिसको ट्रेडिंग फीस बोलते हैं, 0.2% या 0.2% इस तरीके की कुछ फीस वगैरह लेते थे। उस पर सरकार का कहना यह है, डिपार्टमेंट का कहना यह है, GST डिपार्टमेंट का, कि ये उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं, 18% टैक्स लगता है उस पर और ये नहीं दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पर हालांकि वज़ीर एक्स के जो मिशन निश्चल शेट्टी जी हैं, उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि हम तो टैक्स दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं, एडवांस टैक्स तक हम दे देते हैं ताकि इस तरीके की चीज़ों का सामना हमें कभी करना ना पड़े। लेकिन वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस तरीके की चोरी हो रही है और अभी तक 70 करोड़ की कर चोरी का खुलासा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो क्या है सच्चाई ये आप हेडेक लेना छोड़ दो, यहाँ पर मैं यही बोलूँगा आप लोगों के लिए कि ये आपका हेडेक नहीं है, ये एक्सचेंज का हेडेक है जहाँ से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को बाई सेल करते हो, ये उनका हेडेक है। आपने जो फीस उनको दी है, उन्होंने प्रॉपर फीस आपसे ली है, उस पर टैक्स बनता है। ये एक मतलब जिस देश में आप काम कर रहे हो तो वहाँ का एक रेगुलेशन होता है, जो वहाँ के डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं टैक्सेस के, उनका एक रेगुलेशन होता है। तो ये चीज़ें उनको फॉलो करनी है, अगर कर रहे हैं तो ठीक अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं, इसमें आप हेडेक लेना छोड़ दो। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए कि सर क्या 18% GST हमारे ऊपर लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा, आप तो ऑलरेडी पहले ही फीस दे चुके हो। इनको तो उस फीस के ऊपर टैक्स चाहिए जो आप दे चुके हो, उस फीस के ऊपर इनको टैक्स चाहिए, बस सिंपल सा इतना है। इसलिए आप जीने से पहले मरना छोड़ दो, सिंपल सा बोलूँगा कि आप लोग पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हो। हालांकि आप अगर वज़ीर एक्सचेंज पर भी देखोगे तो किसी तरीके की क्रिप्टो करेंसी में कोई डंप वगैरह नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। और देखो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पर रेगुलेट करेंगे इसको, हालांकि वो विंटर सेशन में वो बिल पे बातचीत होनी थी, नहीं हो पाई, अगले सेशन में होगी। तो वो जब होगी, जबकि जब देखेंगे, अभी से इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी लोग यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसमें मैं सोच रहा हूँ कि अपना सारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको पूरा सेल आउट कर दूँ और उसके बाद अपनी कैपिटल को निकाल के चुपचाप बैठ जाऊँ, मुझे नहीं लगता है क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्यूचर है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखो इंटरनेट भी जब इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था तो इसी तरीके की चीज़ें हुई थी, निगेटिव चीज़ें कि काफ़ी कुछ गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज अगर आप गौर करके देखोगे तो इंटरनेट के बगैर यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट आप ले लो या फिर आप अपना पर्सनल कोई काम ले लो, इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें होती हैं, जब भी कोई चीज़ नहीं आती है, क्रिप्टो करेंसी इंडिया के लिए नहीं है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए नहीं है, इसको समझने की कोशिश कर रही है इंडिया की गवर्नमेंट, उसके बाद यहाँ पर रेगुलेशंस होंगे। रेगुलेशंस होंगे दोस्तों तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें होंगी
कि जैसे कि आपके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगेंगे या जो भी होगा तो सबको दिया जाएगा, सब देंगे, हम भी देंगे, तो अभी से हमें उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और RBI की बात करोगे तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं इस पैराग्राफ में कि RBI पूरी तरीके से प्रतिबंध में है, के मूड में है, कि मतलब उनका मानना ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए पूरी तरीके से इंडिया से। तो ये उनका आउटलुक है। हालांकि यहाँ पर जो तय करेगी हमारी गवर्नमेंट तय करेगी। तो फिलहाल यहाँ पर अभी कुछ भी सोचने वाला नहीं, आप बिल्कुल फ्री माइंड से नए साल को एंजॉय करो, फ्री माइंड से ट्रेडिंग करो। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहूँगा। अब यहाँ से मैं आपको वजीर एक्सचेंज पर भी ले चलता हूँ, वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि इस न्यूज़ के आने की वजह से क्या कुछ डंप वगैरह हुआ मार्केट में कि नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर वजीर एक्सचेंज पर हम आ गए हैं। देख सकते हैं कि मार्केट में तो किसी तरीके की पैनिक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कल भी मैंने देखा था, कल भी मुझको रात में काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे कहीं पर भी कोई भी पैनिक देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखोगे पूरी इस तरीके से मार्केट को देख सकते हो। होता यह है कि जब देखो कोई न्यूज़ आती है तो उसको सोशल मीडिया पर या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से तोड़ मरोड़ के उसको पेश की जाती है, अदरवाइज सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे ये चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं कि मतलब अगर कोई चीज़ होने वाली है वो होगी नहीं, आप दूसरे की बात मान रहे हो, ये हो जाए कैसे हो जाएगा। आप अपना भी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो समझो, उसके बाद वहाँ पर समझने की कोशिश किया करो। आप देखते हो कि मैं इस तरीके की न्यूज़ को ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ। कवर इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं कवर करूँगा तो हो सकता है मार्केट में पैनिक आ जाए कि मतलब ये चीज़, अब मैं उसका थंबनेल बनाऊँगा तो उसमें कुछ चटपटी चीज़ डाल दूँ, आप डरो, तुरंत खोलो वीडियो, उसके बाद आप चार छः गाली बको और उसके बाद बाहर आ जाओ वीडियो से। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो क्लिक बेट थंबनेल बोले जाते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी न्यूज़ सुनो, आप अपने हिसाब से उसको रीड करो, समझोगे क्या है। यहाँ पर सिंपल सा बोला जा रहा है कि ट्रेडिंग फीस जो आपने दी है उस पर GST बन रहा है, वो उनको चाहिए, तो वो आपसे नहीं लेना है, वो उनको क्रिप्टो करेंसी के इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं उससे लेना है। यहाँ पर वजीर एक्सचेंज का चार्ट देख लो, काफ़ी पहले मैंने काफ़ी वीडियोज में आपको बताया कि साइडवेज कंडीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है, अभी भी वही है। साइडवेज कंडीशन काफ़ी ज़्यादा फेडअप कर देती है ट्रेडर को कि इस तरीके की कंडीशन जब होती है तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है। वेट करो, इसमें रेंज का ब्रेकआउट अगर ऊपर का साइड होगा ऊपर जाएगा प्राइस, नीचे का साइड होगा तो ज़बरदस्त तरीके से नीचे जाएगा। फिलहाल यहाँ पर यही बोलूँगा कि प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है बस। इसके अलावा यहाँ पर वजीरेक्स की कोई भी अपडेट नहीं है। वजीरेक्स, और मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मार्केट के तीन ही फेज़ होते हैं, ये नोट करके रख लो अपने दिमाग में। पहला फेज़ अप ट्रेंड, दूसरा फेज़ डाउन ट्रेंड, तीसरा फेज़ साइडवेज। ये तीन फेज़ में ही मार्केट अराउंड करती है, चलती है। अब चाहे टाइम फ्रेम छोटा लो या बड़ा लो, छोटे टाइम फ्रेम पर भी साइडवेज कंडीशन बनती हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर भी बनती हैं। अभी जो इसमें साइडवेज कंडीशन बन रही है वो डेली चार्ट पर है, इस तरह से आप देख सकते हो कि मार्केट एक रेंज में ही तो ट्रेड कर रही है ना, तो यही साइडवेज कंडीशन होती है। इधर उधर की चीज़ों में दिमाग लगाने से बढ़िया है कि आप ट्रेडिंग में दिमाग लगाओ, ठीक है, तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। अगर क्रिप्टो करेंसी, सपोज़ दैट अगर हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं, हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं, हम स्टॉक मार्केट में करेंगे, वहाँ कुछ अर्निंग करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ट्रेडिंग तो आना ज़रूरी है ना मेरे भाई। तो ये मोटिवेशनल वीडियो है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं चीज़ों को अब मतलब वैसे नहीं करता हूँ कि एक हंगामा क्रिएट किया जाए, सिंपल रखो। सिंपल सिंपलिसिटी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, सिंपल तरीके समझो। यहाँ पर एक अप ट्रेंड लगा चुका है वजीरेक्स एक्सचेंज, वजीरेक्स कॉइन का प्राइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो इस तरीके से एक अप ट्रेंड लगा चुका है। अब मार्केट साइडवेज कंडीशन में आ रही है तो क्या दिक्कत है भाई, मार्केट अपने फेस को पूरा कर रही है। यहाँ पर अब इसको शिट कॉइन बोल लो या हिट कॉइन बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन यहाँ पर मार्केट साइडवेज कंडीशन में है। कुछ इसी तरीके की कंडीशन देखो पहले भी बनी थी, काफ़ी बार बता चुका हूँ, और उसके बाद भी लोग मुझसे पूछते हैं सर क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल शिट कॉइन है। देखो यहाँ पर ये कंडीशन बनी, रेड बॉक्स आपको दिख रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो गया नीचे, तो मार्केट तेज़ी से नीचे आ गई। वहाँ पर हमें ख़रीदने का मौका मिला, कैसे मिला ये भी बता देता हूँ। एक डबल बॉटम लगा, जो अब आपको ट्रेडिंग आती होती तो यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते, काफ़ी नीचे पे बाई कर लेते, 5 रुपये के आसपास बाई कर सकते थे। प्राइस देखो कहाँ तक गया, प्राइस तो बहुत ऊपर गया, प्राइस तो लगभग 400 रुपये के आसपास गया।
तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं मार्केट में, ये साइडवेज कंडीशन है। साइडवेज कंडीशन को पूरा होने दो, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दो, प्राइस इसके बाहर आएगा तो अप ट्रेंड दिखाएगा, अगर ऊपर के साइड ब्रेक हुआ, अगर नीचे के साइड हुआ तो डाउन ट्रेंड दिखाएगा, फिर मार्केट अपने दूसरे फेज़ में आ जाएगी। तो ये होती हैं चीज़ें, समझने की कोशिश किया करो। अब चलो मुझको इजाज़त दो, उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, उसका आपको जवाब मिला होगा। वजीरिक्स एक्सचेंज में क्या हो रहा है, WRX कॉइन में क्या हो रहा है, कोई तरीके का आप देखो न्यूज़ आने के बाद भी किसी तरीके के प्राइस में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो सिंपल सा है कि जो स्मार्ट बंदे हैं उन्होंने इसको लाइटली लिया है, जो डरपोक टाइप के हैं, पैनिक में जल्दी आ जाते हैं, उनका थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, उनको उन्हीं के मैसेजेस उसको आ रहे हैं। यहाँ पर आप बुरा ना माने, लेकिन ये चीज़ें अपने अंदर से निकालें बाहर, सामने से खुली आँख से देखा करें कि क्या हो रहा है मार्केट में। इस तरीके के तोड़ मरोड़ वाले वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर, उस पर ध्यान ना दें, अपनी अकल लगाएं। चलो नेक्स्ट अपडेट मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।